देखिए ये सिवान और मैरवा रोड में स्थित है, मेन हाईवे पर ही बना गया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यही है सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसके अंदर को भी हम अंदर जाकर भी दिखाएंगे इसका व्यू। तो अभी देख लीजिए ये मेन गेट हुआ, सिवान मैरवा रोड हुआ ये। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम सिवान में आए हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं सिवान इंजीनियरिंग के कॉलेज के पास। चलिए सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज के पास चलते हैं, जो 2018 में पास हुआ था और ये 2022 में कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए उसको दिखाते हैं, सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बिहार के सिवान जिले में स्थित है, अभी कम्प्लीट हो चुका है। तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं दरोगा राय कॉलेज से, 900 मीटर दूर स्थित है। तो देख रहे हैं पश्चिम साइड में। तो अभी हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचकर, आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसा है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज। 2018 में इसकी पास हुआ था बनाने के लिए, तो अभी 2022 में ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अभी हम पास पहुँच चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे है इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित। तो चलते हैं उसके पास और दिखाते हैं आप लोगों को उसका पूरा व्यू। देखिए ये सिवान और मैरवा रोड में स्थित है, मेन हाईवे पर ही बना गया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यही है सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसके अंदर को भी हम अंदर जाकर भी दिखाएंगे इसका व्यू। तो अभी देख लीजिए ये मेन गेट हुआ, सिवान मैरवा रोड हुआ ये मैरवा जाएगा और इधर जाइएगा तो आपका सिवान जाएगा, मतलब पश्चिम साइड में मैरवा और पूर्व साइड में आपका सिवान बबुनिया मोड़ पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर जाने की परमिशन मिलती है या नहीं। तो ये है सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज, देख लीजिए ओवर व्यू कितना अच्छा है, अच्छा बनाया हुआ है। तो ये बिहार इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, आप लोग इसमें जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ये सिवान अभियंत्रण कॉलेज का मेन गेट हुआ, इसी मेन गेट से हम देख रहे हैं अंदर एंट्री मिल रहा है कि नहीं। तो आप लोग को दिखा रहे हैं सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका। तो चलिए परमिशन के लिए बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों को परमिशन नहीं मिला, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है जो कि कागजी काम है, उसको अभी पूरा होने के बाद जब तक प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम लोग का कॉलेज यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा तब तक हमें अलाउ नहीं मिला वीडियो वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो तो नहीं बन सका, आप लोग बाहर से ही देख सकते हैं व्यू कैसा है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं बाहर से ही जितना हो सके, तो फिर आएंगे कभी इसका वीडियो पूर्ण आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा गेट है, देखिए एक उधर गेट है, उस साइड भी है, यहाँ पे दो गेट अवेलेबल है। तभी सभी में ताला मारा हुआ है, अभी परमिशन नहीं मिल रहा है अंदर जाने के लिए, क्योंकि कुछ कागजी काम अभी बाकी है। तो चलिए बाहर से ही आप लोग को और कुछ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वार्टर्स है और इधर आपको मिलेगा सामने जो देख रहे हैं, सामने देखिए इसको जूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप दिख रहा है आपको। और इधर है आपका, और इधर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। देखिए कैसा है। तो जब यहाँ पे संचालित हो जाएगा कॉलेज तब हम इसको अच्छे से बनाएंगे इसका वीडियो, तभी देख लीजिए ओवरव्यू कैसा है। तो हमको तो जितना हो सका उतना हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये कॉलेज। तो अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।